हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर एफ एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो उसकी रेंज कहलाएगी। एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एन को हम इक्वल मान लेते हैं एम के। हमें एम की रेंज मालूम करनी है या एम की वैल्यूज मालूम करनी है जो पॉसिबल हो सकती है। इसे फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू एम एक्स स्क्वायर प्लस फोर एम एक्स प्लस नाइन एम। ये तीनों टर्म राइट हैंड साइड ले जाएं तो टू एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2m माइनस 1 प्लस 4mx माइनस 2x। हम 2x कॉमन ले लें तो हमारे पास यहां बचेगा 2m माइनस 1 एंड प्लस 9m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x रियल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। रियल सॉल्यूशन की एक शर्त होती है b square minus 4ac should be greater than or equal to 0। यहां b की वैल्यू हो गई है twice of 2m minus 1, substitute कर देते हैं तो twice of 2m minus 1 whole square minus 4a, a हो गया है 2m minus 1 और c हो गया है 9m minus 4। This should be greater than or equal to 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 हम लिख सकते हैं कॉमन क्योंकि दोनों में 4 है। एक 2m minus 1 हम कॉमन ले लें तो यहां अंदर हमारे पास एक तो बचेगा 2m minus 1। Now 4 और 2m minus 1 कॉमन जा चुका है तो माइनस बाहर है, ओपन करने पर ये हो जाएगा माइनस 9m प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 2m माइनस 1, 2m माइनस 9m, ये हो गया है माइनस 7m प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 2m माइनस 1, जो माइनस 1 हमने मल्टीप्लाई किया वो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7m माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। या हम एक काम कर सकते थे, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते तो भी बात वही होती। नाउ जब भी हमें इस तरह की इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिले, उन्हें सॉल्व करने की बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। आप नंबर लाइन प्लॉट करें और यहां पर इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करें। इसे इक्वल टू 0 पुट करने पर m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसे इक्वल टू 0 पुट करने पर m की वैल्यू आ जाएगी 3/7। ये होगा 0.5 और ये होगा अप्रोक्सीमेटली 0.42। तो 3/7 एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर को नंबर लाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और बड़े नंबर को राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चीज, 2m और 7m को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 14m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम एक्सट्रीम राइट पे जो रीजन है उसको पॉजिटिव कहेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट्स में डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे। हम ढूंढ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव या 0, ये बीच वाला रीजन हमारे काम का है। तो m की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/7 लेस देन और इक्वल टू 1/2। बट यहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। क्या हो अगर हम m की वैल्यू 1/2 पुट कर, दिक्कत ये होगी, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। 4x और 2x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि गलत है। इसीलिए हम m की वैल्यू 1/2 नहीं ले सकते हैं, तो ये हम हटा दें। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, m 3/7 के इक्वल और उससे बड़ा, तो हम जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लिखेंगे, एन 1/2 से छोटा तो 1/2 के बाद हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो लिखेंगे,
चार ऑप्शंस पे अगर हम नजर डालते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की। लेकिन हाँ, लास्ट में ये जो हमें इक्वल टू 1/2 वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ी, यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना।